तो दोस्तों हमें नेटफ्लिक्स के द्वारा एक बेहतरीन सीरीज़ हमें देखने को मिलने वाली है स्वीट टीट का सेक्शन थ्री जी हाँ दोस्तों ये बहुत लंबे अरसे से 2020 से ये सीरीज चलती हुई आ रही है और बैक टू बैक इसके नए सेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं इसी बीच इसका सेक्शन थ्री हमें देखने को मिलने वाला है तो सारी कुछ जानकारी मैं इस सेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेलाइकन दबा कर इसे पर सेट कर दे अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं स्वीट होम कोरियाई सीट होम एक दक्षिण कोरियाई सर्वनाशकारी हॉरर एक्शन फंतासी टेलीविजन श्रृंखला है जिसमें सोंग कांग ली जिनवुक और ली सीयंग ने अभिनय किया है यह किम कार्नबी और हवांग यंगचान द्वारा इसी नाम के नेवर वेबटून पर आधारित है जिसने दो दशमलव एक बिलियन से अधिक नेट व्यू दर्ज किए हैं पहला सीजन अठारह दिसंबर 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था छ सात दूसरा सीजन 1 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था आठ तीसरा सीजन 2024 की गर्मियों में रिलीज होने वाला है 9, सारांश सीजन एक एक अप्रत्याशित त्रासदी के बाद उसके पूरे परिवार की मृत्यु हो जाती है और वह अकेला जीवित बचता है चाहे अपने परिवार का घर छोड़कर ग्रीन होम नामक जर्जर अपार्टमेंट परिसर में चला जाता है एक रात भयानक राक्षस दिखाई देने लगते हैं और शहर को तबाह कर देते हैं ह्यून्सु और उसके साथी निवासी परिसर की सीमाओं के भीतर एक साथ आते हैं और उन्हें नए अलौकिक खतरे के खिलाफ अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है ह्यूंसु में राक्षस के लक्षण दिखने लगते हैं और वह जब चाहे तब पंखों वाले राक्षस में बदल सकता है अपार्टमेंट के अन्य लोग अपनी मनचाही चीजों के राक्षस बन जाते हैं सीजन डो ग्रीन होम के बचे हुए लोग इसकी दीवारों से परे बर्बाद दुनिया में निकल पड़ते हैं इस बीच सरकारी निकाय और वैज्ञानिक संस्थान राक्षसों का अध्ययन करने के अपने प्रयासों में लगे रहते हैं ताकि कोई इलाज मिल सके कास्ट यह भी देखें स्वीट होम वेबटून पात्र सीजन एक दो सॉन्ग चाहे चाहेउन्सू के रूप में एक चिकित्सकीय रूप से अवसादग्रस्त हाई स्कूल ड्रोपआउट जो अपने परिवार के कार दुर्घटना में मारे जाने के बाद ग्रीन होम में चला जाता है वह एक राक्षसमानव संकर बन जाता है जो अलौकिक पुनर्योजी क्षमताएं प्राप्त करता है ली जिनवूक प्योन्गवुक के रूप में एक रहस्यमय कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसके चेहरे पर गंभीर जलने के निशान हैं वह पहले सीजन के पहले भाग में यूंजे का पीछा करता है और निवासियों का एक भरोसेमंद सहयोगी बन जाता है युवा पियोन सांगवुक के रूप में ली यूजीन 10. ली सियंग सेओ य्यूंग के रूप में एक पूर्व फायर फाइटर जिसका मंगेतर उनकी शादी से दो दिन पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया वह एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट और गनमैन भी है जिसने स्पेशल फ़ोर्स में काम किया है सीएम का किरदार टेलीविज़न सीरीज के लिए खास है, वेबटून कॉमिक में नहीं दिखाई देता पार्क ग्यूयंग जीसु के रूप में एक परेशान बास गिटारवादक जो अपने प्रेमी की आत्महत्या के बाद ग्रीन होम में रहने आती है वह बेसबॉल बैट चलाने में कुशल है और ध्वनिक गिटार भी बजाती है गोमिन्सी ली यूनिव यून्यु की घमंडी दत्तक छोटी बहन और एक महत्वाकांक्षी बैले नर्तकी, जो अपने पैर में चोट लगने के कारण नृत्य छोड़ देती है किम हीजंग जिनोग के रूप में एक हताश मां जो अपने लापता मिंजू की तलाश कर रही है और डेकेयर सेंटर की निदेशक है 11. किम गुखी सोनहाइन एक मध्यम आयु वर्ग की महिला जो गपशप करने का शौक रखती है और उसके पास बॉम नामक एक पालतू पोमेरेनियन कुत्ता है ली जूनवू रयू जेहवान एक युवा महत्वाकांक्षी मॉडल वह सर्वनाश से बहुत निराश है जिसने उसे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने से रोक दिया है हियो यूल किम सुयोंग एक नौ वर्षीय अनाथ और योंगसू की बड़ी बहन चोई गो किम येओंगसु एक छह वर्षीय अनाथ और सुयोंग का छोटा भाई वू जंगकुक कांग सेओंगवान एक चश्माझारी और डरपोक निवासी सीजन एक ली डोह्यून ली यूनियूक के रूप में यूनियू के दत्तक बड़े भाई और एक पूर्व मेडिकल छात्र शांत मन और तार्किक निर्णयों के साथ नेतृत्व करते हुए वह निवासियों का वास्तविक नेता बन जाता है हालांकि कई लोग उसे ठंडा और दूर का मानते हैं किम नाम ही जंग जेहेन के रूप में एक कोरियाई भाषा शिक्षक और एक धर्मनिष्ठ ईसाई जो खुद को और दूसरों की रक्षा के लिए एक पारंपरिक कोरियाई तलवार जिंगम से लैस है वह शराब की लत से जुआता है जो श्रृंखला में सामने आने वाली घटनाओं के कारण फिर से शराब की लत में पड़ जाता है किम सांगहो हान डूसिक ह्यून्सू के विकलांग पड़ोसी और एक कुशल लोहार जो निवासियों को हथियार और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराता है किम ह्यून एन सियोंगयोंग सुकह्यून की डरपोक लेकिन दयालु पत्नी वु ह्यून किम सुकह्यून एक किफ़ायती स्टोर का मालिक जो अपने गुस्सेल स्वभाव और पत्नी के साथ दुर्व्यवहार के लिए कुख्यात है गो यूनजंग पार्क यूरी गिलसेओब की देखभाल करने वाली जिसके पास चिकित्सा प्रशिक्षण है और जो अस्थमा से पीड़ित है किम इन गिलसेयोब के रूप में एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग जो अपनी देखभाल करने वाली यूरी के साथ रहता है वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है क्योंकि उसने अपनी अनाम बीमारी की जीवन प्रत्याशा को पार कर लिया है लिम सुह्युंग नो एक विनोदी निवासी और सुकह्युन का मित्र ली बोंगरयन इम्यूंगसुक एक निवासी जिसने अपनी नवजात बेटी को खो दिया था जब उसका घूमकर वाहन लुढककर एक ट्रक से टकरा गया था गोज्योन्हान चोई यूनजे एक निवासी जिसका पूरी श्रृंखला में सांगवुक द्वारा क्रूरतापूर्वक शिकार किया जाता है किम सुंगजियोल जंग उइम्योंग का पहला मानव रूप जिसका शरीर पहले एक वैज्ञानिक का था जिसे उइम्योंग ने मार डाला और उसका रूप धारण कर लिया आहन डोंगगु सुंग, ग्रीन होम में रहने वाला एक युवा सैन्य सैनिक पार्क जिनसू के रूप में पार्क क्या क्यारह जोंग हाडेम किम जियून हाइन की पड़ोसी और दोस्त किम जियून हान यूजिन एक सैन्य सार्जेंट ली जीहा मून हेउनसुक हेउनसु की मान किम यूंग चा सुआ हेउनसु की छोटी बहन ली की ह्युक व्वांग से वह आग लगाने वाला व्यक्ति जिसने सांगवुक के पिता को मार डाला और सांगवुक को जलने के निशान दे दिए जीन, हेरंग के रूप में जीसू का मृत प्रेमी हामसुंगमिन पार्क जुयोंग ह्यून्सु का सहपाठी और बदमाशी का शिकार पार्क आहाइन, ह्यून्सु के अनाम पड़ोसी के रूप में जो एक पेट्यू राक्षस में बदल जाता है डेनडिलीग्रो प्रोटीन मॉन्स्टर के रूप में बारह सीजन डो यू ओहसियोंग मास्टर सार्जेंट टैक इनहवान के रूप में गार्ड कोर के विशेष बलों के नेता जिन्हें क्रो प्लाटून के रूप में भी जाना जाता है 13. ओह जंग से डो. लीम टीकों के शुभकर्ता के रूप में 14. किम म्यूओल सार्जेंट फर्स्ट क्लास किम यंगहू के रूप में एक यूडीटी सील और गार्ड कोर के दूसरे कमांड फोर्चीन जंग जिनयंग प्राइवेट पार्क चान्यंग के रूप में गार्ड कोर में एक सैनिक फिफ्टीन किम शिनरोक चीफ जी के रूप में सुविधा प्रबंधन के महाप्रबंधक सिक्सटीन किम डोंग्यंग ओह जुनिल के रूप में एक नया स्टेडियम निवासी सेवेंटीन यूंगआर बोंग सोनहवा बियून जंगही ओह जुनेल की मां के रूप में यांग हायजी जंग येसेउल के रूप में चीफ जी की बेटी सेवेंटीन किमसिया ईक्यूम से के उत्परिवर्ती बच्चे के रूप में सत्रह की सोयू सेओ के उत्परिवर्ती बच्चे के युवा संस्करण के रूप में एठीन बोंगसिक वांग होसांग के रूप में एक सड़क पर जीवित बचे व्यक्ति एक बंदूक के साथ नाइन्टीन चाय वोनबिन हानी के रूप में वांग होसांग के साथ एक सड़क उत्तरजीवी जीवी नाइनटीन किम जंगवू फादर पीटर के रूप में बीस हांग सुजु जिना के रूप में जंग सुकवोन सार्जेंट मिनसेओजिन कोर में एक मरीन रिकन युक जुन्सियो बंग गार्ड कोर में एक विशेष बल सैनिक 21 हियो नामजून कांग सोकचान गार्ड कोर में एक यूडीटी सील जोंग जोंगहेउन किम गार्ड कोर में एक यूडीटी सील सितंबर 2020 में, बीस में एक सैनिक के निशाने पर है जो एक निर्जन क्षेत्र प्रतीत होता है एक महीने पहले वह ग्रीन होम में रहने चला गया जो एक अपार्टमेंट परिसर है जिसमें निवासियों के एक विविध समूह रहते हैं उदास और आत्महत्या करने वाला ह्यून्स्यू शायद ही कभी अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और भोजन की डिलीवरी पर निर्भर करता है एक रात उसे पता चलता है कि उसके अगले दरवाजे के पड़ोसी ने उसकी डिलीवरी खोली थी और उसे अपनी पालतू बिल्ली को खाते हुए देखा था भयभीत होकर वह अपने अपार्टमेंट में वापस भागता है लेकिन वह उसका पीछा करती है एक भयंकर पेट्यू राक्षस में बदल जाती है राक्षस एक खिड़की से कूदने से पहले एक अन्य निवासी यूमजीसू पर हमला करता है इस बीच एक खून चूसने वाला पिशाच राक्षस भूतल पर निवासियों के एक समूह पर हमला करता है जिसमें से एक की मौत हो जाती है ली यून्युक और सेओ यी क्यूंग एक पूर्व अग्निशामक सफलतापूर्वक राक्षस को बाहर निकाल देते हैं और प्रवेश द्वार के शटर बंद कर देते हैं निवासियों के लिए बहुत भयानक बात यह है कि उन्हें पता चलता है कि उनके बाहर का शहर अन्य राक्षसी प्राणियों द्वारा तबाह कर दिया गया है दो दो ली जंग यंगवू और पार्क सोह्यून हांग सोरी किम ह्यूंगमिन और पार्क सोजंग 18 दिसंबर 2020। फ्लैशबैक में हेउन्सु के परिवार के अंतिम क्षणों का पता चलता है जब एक घातक कार दुर्घटना में वह अकेला जीवित बचा था वर्तमान में हेउन्सु को ऑनलाइन पता चलता है कि नाक से खून बहना और श्रवण संबंधी मतिभ्रम जैसे कुछ लक्षण राक्षस में बदलने की शुरुआत का संकेत देते हैं इस बीच जीसू और साथी निवासी जंग जंगजेहेन एक अंधे कमल की जड़ राक्षस से बचते हैं और चोई यूंजे को बचाते हैं एक निवासी जिस पर एक चोर ने हमला किया था और उसे उसके अपार्टमेंट में बांध दिया था चोर प्योन सांगवुक पेट्यू राक्षस को मारता है लेकिन इस प्रक्रिया में उसे काट लिया जाता है भूतल पर रहने वाले निवासी उसे चौंका देते हैं और उसे रोकते हैं इस डर से कि वह संक्रमित हो सकता है हालांकि वह बच निकलता है और वापस ऊपर चला जाता है ह्यून्सु दो युवा अनाथ भाई भनो, किम सुयोंग और किम योंगसु को एक आंखों वाले राक्षस से बचाता है और तीनों को ह्यूंसु के पड़ोसी डूसिक द्वारा बचाया जाता है ह्यून्सु को लक्षण महसूस होने लगते हैं तीन तीन ली युंगबोक जंग यंगवू और पार्क सोह्यून हांग सोरी किम ह्यूंगमिन और पार्क सोजंग 18 दिसंबर 2020। बिजली गुल होने से अपार्टमेंट परिसर में अंधेरा छा जाता है ह्यून्सु की राक्षसी इच्छाएं उभरने लगती है लेकिन वह फिर से नियंत्रण पा लेता है और उसे एहसास होता है कि उसने पुनर्योजी क्षमताएं हासिल कर ली है इस बीच एक विशालकाय प्रोटीन राक्षस अनाथों का पीछा करता है और उन्हें फसाता है लेकिन निवासी इम्यूंगसूख एक राक्षस में बदल जाता है और कुछ समय के लिए उसे वश में कर लेता है जिससे बच्चे बच बच्च निकलते हैं फिर वापस मानव रूप में आ जाते हैं जेहेन प्रोटीन राक्षस का पीछा करते हुए खिड़की की ओर जाता है लेकिन वह बाहर कूद जाता है और बाल बाल बच जाता है वह जीसु म्यूंगसुख हिउंसु और अनाथ बच्चे रात के लिए डुसिक के अपार्टमेंट में बस जाते हैं बेसमेंट में यिक्यूंग इमारत की बिजली बहाल करता है लेकिन एक मकरी जैसे राक्षस द्वारा घात लगाकर उसे फंसा लिया जाता है ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोग चौंक जाते हैं क्योंकि राष्ट्रीय प्रसारण में राष्ट्रपति के राक्षस में बदल जाने का खुलासा होता है यूंजे अपने अपार्टमेंट से खाना लेकर समूह में शामिल हो जाता है अगली सुबह चाजिनोंक अपनी बेटी का स्थान बाहर चिह्नित देखती है और उसे अंदर आने के लिए शटर खोल देती है ली सुओ बेटी की मदद करने के लिए बाहर भागता है हालांकि दोनों को पिशाच राक्षस द्वारा दुखद रूप से मार दिया जाता है चार चार ली युंगबोक, जंग यंगवू और पार्क सोह्यून हांगसोरी किम किमह्यूंगमिन और पार्क सोजंग 18 दिसंबर 2020 य्यूंग बेसमेंट से भागकर ग्राउंड फ्लोर पर वापस आ जाता है एक सैन्य प्रसारण संक्रमण की मान्यताओं को खारिज करता है इसके बजाय यह बताता है कि तीव्र इच्छाओं को महसूस करने पर मनुष्य राक्षसों में बदल जाते हैं ह्यून्व जीस्यू और जेहेन डुसिक के अपार्टमेंट के बाहर अन्य बचे लोगों की तलाश करते हैं जबकि म्यांगसुक और अनाथ डुसिक के साथ रहते हैं एक अदृश्य शक्ति अचानक हेउंसू पर हमला करती है जिससे वह नैवीं मंजिल से नीचे गिर जाता है हालांकि वह गिरने से बच जाता है और कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाता है यह महसूस करते हुए कि वह एक राक्षस है ग्राउंड फ्लोर के निवासी इस बात पर बहस करते हैं कि हेउंसू को बाहर निकाला जाए या नहीं कॉम्प्लेक्स के सुविधा स्टोर के मालिक किम सुकह्यून मांग करते हैं कि उन्हें बाहर निकाल दिया जाए हालांकि उनमें भी लक्षण दिखने लगते हैं और उन्हें हेउंसू के साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाता है सांगवुक नीचे लौटता है और यूंजे को पीतता है जो उससे बचने के लिए लक्षणों का बहाना करता है ऊपर म्यूंगसुक डुसिक के बाथरूम में एक सुप्त ब्रून जैसे राक्षस में पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है पांच पांच ली युंगबोक जंग यंगवू और पार्क सोह्यून हांग सोरी किम ह्यूंगमिन और पार्क सोजंग 18 दिसंबर 2020। डूसिक द्वारा बनाई गई जेहेन की लाल को देखते हुए युनह्युक हेउन्सू को डूसिक को नीचे लाने का आदेश देता है यूनजे की चाबियां रखने और अपने स्वयं के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सांगवुक भी ऊपर जाता है कभी कभी हेउन्सु को होश में लाने के लिए उसे फीतता है जब भी उसका राक्षस पक्ष सामने आता है हालांकि राक्षस अचानक उन पर हमला करते हैं जिससे दोनों को अपने अपार्टमेंट में रहने वाले एनगिल्सेब और पार्क यूरी के पास शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है सांगवुक स्वतंत्र रूप से ऊपर की ओर बढ़ता है और यूंजे की चाबियों का उपयोग करके एक सुरक्षित कमरे को खोलता है जहां उसे आपत्तिजनक सबूत और दुर्व्यवहार किए गए बच्चों की परेशान करने वाली तस्वीरें मिलती है जिससे पता चलता है कि यूंजे एक बाल शिकारी है यूंजे का सामना नीचे करते हुए सांगवुक पूरी ताकत से हमला करता है और अंत में उसे पीट पीट कर मार डालता है वह यूंजे के शरीर को बाहर खींचता है और सूंग और जिनो की बेटी के शवों को वापस लाता है ह्यून्स्यू भी गिलसिओब, यूरी डुसिक और बच्चों के साथ नीचे लौटती है और समूह मृतक के लिए अंतिम संस्कार करता है प्रेगनेंसी टेस्ट लेने के बाद ईक्यूम को पता चलता है कि वह गर्भवती है जैसे जैसे दिन बीतते हैं ह्यून्सु यूनह्यूक और समूह के लिए खतरनाक मिशनों को अंजाम देना जारी रखती है छ छे, छे ली जंग यंगवू और पार्क सोह्यून हांगसोरी, किम ह्युंगमिन और पार्क सोजंग 18 दिसंबर 2020। फ्लैशबैक से पता चलता है की जानबुआई कर की गई आग ने सांगवुक के पिता को मार डाला और सांगवुक को बचपन में जलने के निशान छोड़ गए बदला लेने के लिए उसने आगजनी करने वाले को मार डाला और तब से खुद को एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में पेशेवर रूप से स्थापित कर लिया है वर्तमान में सुकह्यून अंत एक राक्षस में बदल जाता है और उसकी पत्नी एनसेन्योग द्वारा मार दिया जाता है जिसने वर्षों तक उसके दुर्व्यवहार को सहन किया जैसे ही भोजन और पानी कम होने लगता है युनयुक को एहसास होता है कि उन्हें जल्द ही परिसर छोड़ना होगा और हेउंसु को भूमिगत लॉट में एक चालू कार खोजने का काम सौंपता है युनहयुक सांगवुक जीसु और जेह्यून हेउन्सु की मदद करने के लिए अपने पद छोड़ देते हैं जब वह विभिन्न राक्षसों द्वारा घात लगाए जाते हैं हालांकि यह मकरी राक्षस को भूतल में घुसने और बाकी निवासियों पर हमला करने में सक्षम बनाता है अधिक फ्लैशबैक यूक्यूंग के अतीत और उनकी शादी से कुछ दिन पहले उसके मंगेतर नाम सांगवोन के रहस्यमय ढंग से गायब होने की कहानी बताते हैं यिक्यूंग जवाब की तलाश में परिसर से बाहर निकलती है और सांगवोन के कार्यालय में, में महत्वपूर्ण जानकारी पाती है माना जाता है कि राक्षस परिवर्तन अभिशाप है और सरकार अभिशाप से लड़ने का तरीका खोजने के लिए सांगवोन सहित लोगों पर प्रयोग कर रही है उसकी खोज सेना द्वारा उसे पकड़ लेती है साथ साथ ली युंगबोक जंग यंगवु और पार्क सोह्यून हांगसोरी, किम ह्यूंगमिन और पार्क सोजंग 18 दिसंबर 2020 सेना की पूछताछ के दबाव में यिक्यूंग ने ह्यून्सू की अभिशाप का विरोध करने की क्षमता का खुलासा किया सेना ने उसे एक ट्रैकर दिया और उसे परिसर में वापस लौटने का आदेश दिया और हिंसु के बारे में कोई भी जानकारी देने के बदले में सांगवोन के बारे में विशेष जानकारी देने का वादा किया इस बीच भूमिगत लौट समूह मकरी राक्षस को मारने और डुसिक को बचाने के लिए समय पर भूतल पर लौटता है हालांकि जीसु अचानक अपेंडिसाइटिस से बीमार हो जाती है और उसे तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है अपने अनुभव की कमी के बावजूद यूनह्युक उसकी सर्जरी करने का फ़ैसला करता है और भोजन दवा और चिकित्सा उपकरण प्राप्त करने के लिए सांगवुक, गिलसेओब और यूरी की एक टीम भेजता है हालांकि जैसे ही वे निकलते हैं उन पर प्रोटीन राक्षस द्वारा हमला किया जाता है जो अब बहुत अधिक शक्तिशाली और बड़ा हो गया है फ्लैशबैक से पता चलता है कि किून्सु को स्कूल में धमकाया गया था जिसके परिणामस्वरूप वह अवसाद में आ गया और आत्महत्या का असफल प्रयास किया आठ आठ ली युंगबोक, जंग यंगवू और पार्क सोह्यून हांग सोरी किम ह्यूंगमिन और पार्क सोजंग 18 दिसंबर 2020। हज़ार वापस लौटता है और प्रोटीन राक्षस पर फायर ट्रक चलाता है उसे धातु की सलाखों पर छेद देता है आपूर्ति के साथ वापस लौटने पर जीसू की सर्जरी सफल होती है और वह होश में आती है जेहन वादा करता है कि वह उसे पूरी तरह से ठीक होने के बाद अपने जिंगम का उपयोग करना सिखाएगा सैन्योंग समूह को उसके लक्षण बताता है और इमारत छोड़ने का सुझाव देता है लेकिन वे उसे एक अलग कमरे में रहने का फैसला करते हैं उस रात बाद में एक सैन्य भगोड़ा परिसर में घुसपैठ करता है और य्यूम को मारने का प्रयास करता है लेकिन वह आसानी से उस पर काबू पा लेती है और समूह उसे बंदी बना लेता है वह हेउन्सु को सरकार के प्रयोगों के बारे में बताती है और सेना को उसके बारे में बताने की बात स्वीकार करती है अगले दिन रूपांतरित राक्षस चौकीदार अचानक समूह पर खरपतवार काटने वाले उपकरण से हमला करता है और जेहन की बाह काट देता है यह महसूस करते हुए कि वह जीवित रहने के लिए बहुत अधिक रक्त खो रहा है जेहन राक्षस को समूह से दूर करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है जिससे यूनयुग को मोलोटोव कॉकटेल फेंकने की अनुमति मिलती है जिससे जेहेन और राक्षस दोनों मारे जाते हैं स्वीट होम कोरियाई म आर आर सेविटे होम किम कार्नबी द्वारा लिखित और हवांग यंगचान द्वारा चित्रित एक दक्षिण कोरियाई वेबटून है एक सबसे पहले नेवर वेबटून में प्रकाशित वेबटून 12 अक्टूबर 2017 से 2 जुलाई 2020 तक कुल 140 अध्यायों और एक प्रस्तावना के लिए चला चार यह एक आत्मघाती हाई स्कूल के लड़के पर केंद्रित है जो साथी अपार्टमेंट निवासियों के एक समूह के साथ एक राक्षसीकरण सर्वनाश गोमुल हवा से बचने की कोशिश करता है ए जहां लोग राक्षसों में बदल जाते हैं जो उनकी अंतरतम सबसे हताश इच्छाओं को दर्शाते हैं पांच वेबटून किम और हुआंग का दूसरा सहयोगी कार्य है पहला बास्टर्ड 2014 से 2016 था पांच जनवरी 2021 तक इसके आधिकारिक अंग्रेजी संस्करण को 2.4 मिलियन ग्राहक और 15.2 मिलियन लाइक मिले 7, स्वीट होम का एक प्रिंट संस्करण 28 फरवरी 2020 से विजडम हाउस द्वारा जारी किया गया था दो आठ नौ एक तीन इसे 18 दिसंबर 2020 को जारी इसी नाम की नेटफ्लिक्स श्रृंखला में भी रूपांतरित किया गया है 10. शॉटगन बॉय नामक एक प्रीक्वल बी किम द्वारा लिखित और ह्वांग द्वारा संपादकीय पर्यवेक्षण प्रदान करने के साथ होंगपिल द्वारा सचित्र 22 फरवरी 2021 से नेवर वेबटून में जारी किया गया था बारह तेरह कथानक इस लेख का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है कृपया अनावश्यक विवरण हटाकर और इसे अधिक संक्षिप्त बनाकर इसे बेहतर बनाने में मदद करें अप्रैल 2022 जानें कि जाने इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए प्रस्तावना अध्याय एक से अड़तीस एक वाहन दुर्घटना में अपने परिवार की मृत्यु के बाद आत्महत्या करने वाला 18 वर्षीय लड़का चाहे उनसे ग्रीन होम नामक एक अपार्टमेंट परिसर के कमरा 1410 में चला जाता है वह और उसके आसपास के लोग अजीब लक्षणों से पीड़ित होने लगते हैं जिसमें दुष्ट आवाज़ें और नाक से खून आना शामिल है एक रात अपने वीडियो डोरफोन के माध्यम से वह कमरा 1411 में रहने वाली अपनी लड़की पड़ोसी को एक मानवभक्शी राक्षस में बदलते हुए देखता है दो दिन बाद ह्यून्सु को पता चलता है कि उसके आसपास की दुनिया अराजकता में गिर गई है क्योंकि लोग राक्षसों में बदल जाते हैं जिसे इंटरनेट राक्षसीकरण सर्वनाश गोमुल हवा कहता है ए नीचे ली यूनिग के नेतृत्व में उनके साथी निवासी डी अपार्टमेंट पर हमला करने के लिए बाहर से पहले राक्षस को रोकते हैं लेकिन इससे पहले कि वह अपना पहला शिकार दावा करता है राक्षसों के खिलाफ संघर्ष में कई निवासी मारे गए हैं संभावित राक्षस हमलों से बचने के लिए ह्यून्सु ने एक चाकू के साथ एक अस्थाई भाला के साथ खुद को सशस्त्र किया और रूम 1408 के हान दुशिक की सलाह पर अपने फोन को राक्षस ट्रैकर के रूप में उपयोग किया यदि वह फ़ोन करता है और एक बीप ध्वनि सुनता है तो यह पास के राक्षस का संकेत है वह खुद को रूम 1408 में ले जाता है ह्यून्ू दो शोक संतप्त बच्चों नौ वर्षीय किम सुयंग ई और छह वर्षीय किमयंगू एफ को कमरा 1210 से बाहर निकालता है कमरा 1408 में उसकी वापसी उसके भीतर के राक्षस द्वारा उसे पूरी तरह से राक्षस बनाने के प्रयास और एक अन्य राक्षस हमले के कारण बाधित होती है जो उसे बच्चों से अलग कर देता है कमरा एक हजार पांच सौ दस की यून जीस्यू और कमरा एक हजार पांच सौ छह के जंग जेहोन जी उसे बचाते हैं सुयंग और यंगस्यू सु दो राक्षसों के बीच लड़ाई के बीच फंस जाते हैं लेकिन एक अन्य अर्धराक्षसी महिला इम्यूंगसुक एच बच्चों की रक्षा करती है ह्यूनस्यू जीसू और जेहोन उसकी सहायता के लिए आते हैं कमरा 1408 में एक दिन रुकने के बाद ह्यूनसिव जीसु और जेहीन भूतल में बचे लोगों के साथ शामिल होने का फ़ैसला करते हैं तिकरी म्यूंगसुक सुयंग और यंगसु को दुशिक को सौंपती है हेउन्सु एक राक्षस के खिलाफ लड़ाई में बेहोश हो जाता है बेहोश रहते हुए उसका आंतरिक राक्षस उसे एक समानांतर दुनिया का स्वाद देता है जहां हेउंसु की इच्छा अपनी सबसे पसंदीदा फिल्म मारिया फ्रॉम द स्काई आई देखना पूरी तरह से पूरी होती है यह महसूस करते हुए कि वह सिर्फ एक मतिब्रम के अंदर है ह्युंसु अपने आंतरिक राक्षस के प्रलोभनों को खारिज कर देता है और अंत में जाग जाता है उनके पक्ष में यूनह्यूक और उनकी छोटी बहन ली यून्यू है जे वह लड़ाई में बच गए थे और भूतल पर पहुंच गए थे अध्याय उनतालीस पचासी इस बात पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई जाती है कि क्या ग्रीन होम के निवासियों को हिउंसू को आधे राक्षस होने के कारण निष्कासित करना चाहिए या नहीं यूनह्युक ने मतदान के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने का सुझाव दिया समूह को बताया कि हेउंसू को अंधाधुंध तरीके से निष्कासित करना उसकी हत्या करने के समान होगा मतदान के परिणामस्वरूप बराबरी होती है जब एक दबंग बुजुर्ग व्यक्ति किम्सोकह्यून के आपत्ति व्यक्त करता है तो उसकी नाक से खून बहने लगता है अनजाने में उसके साथी निवासियों के सामने उसके आसन राक्षसीकरण का खुलासा हो जाता है बाद में यूनह्यूक हेउन्स्यू और एक गैंगस्टर जैसे व्यक्ति पियोन सांगवुक एल से कमरा 1408 में बचे लोगों को निकालने के लिए कहता है ताकि वे डूषिक के तकनीकी कौशल का लाभ उठा सकें जब हेउन्स्यू और सांगवुक मिशन के लिए ग्राउंड फ्लोर से निकलते हैं तो म्यांगसुक आखिरकार अपने भीतर के राक्षस के सामने झुक जाती है लेकिन अपने खोए हुए बच्चे के साथ फिर से जुड़ने की उसकी तीव्र इच्छा म्यांगसुक को कमरा एक के बाथरूम के अंदर एक हानिरहित विशाल भ्रूण राक्षस में बदल देती है बाय से अध्याय अट्ठावन के एक दृश्य में यूरी गिल्सियोप ह्यून्सू और सांगवुक कमरा 1408 के रास्ते में ह्यूंस्यू और सांगवुक अन्य बचे लोगों से मिलते हैं एक बुजुर्ग आदमी आहन गिल्सियोप पुरुष और उनके देखभाल करने वाले पार्क यूरी कई राक्षसों से लड़ाई के बाद ह्यूंस्यू और सांगवुक डुशिक के साथ भूतल पर लौट आते हैं जबकि गिल्सियोप यूरी और बच्चे कमरा एक में रहते हैं डुशिक अपार्टमेंट के लिफ्टों में से एक को ठीक करता है लेकिन यह अनजाने में पूरी तरह से राक्षसी सुरक्षा गार्ड को भूतल में प्रवेश करने और जेहीन सहित कुछ बचे लोगों को मारने की ओर ले जाता है जेहीन के मृत शरीर को देखने के सदमे से ह्यून्सु के भीतर का राक्षस अस्थायी रूप से प्रकट हो जाता है नियंत्रण पाने के बाद ह्यून्सु राक्षसी सुरक्षा गार्ड को मार देता ह्यून्सिव सांगवुक जीस्यू गिल्सियोप और यूरी की एक टीम भूमिगत पार्किंग स्थल को राक्षसों से सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त करती है दुशिक एक कार को बख्तरबंद वाहन में बदल देता है ह्यूनसिव सांगवुक गिल्सियोप और एक अन्य जीवित बायंगल इस कार का उपयोग भोजन और चिकित्सा आपूर्ति इकट्ठा करने के प्रयास में ग्रीन होम के बाहर जाने के लिए करते हैं एक राक्षस के हमले से पार्टी का मिशन खतरे में पड़ जाता है गिल्सियोप मारा जाता है जबकि बायंगेल घटनास्थल से भाग जाता है यूनह्युक और अन्य बचे लोग हेउन्स्यू और सांगवुक की मदद करने के लिए ग्रीन होम से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं ठीक समय पर एक जेल बस अचानक आती है और राक्षस को टक्कर मार देती है जिससे वह मर जाता है ब्यूंगेल बाहरी लोगों के एक समूह के साथ बस से बाहर निकलता है पहले चार को सांगवुक अपराधी मानता है समूह का नेता शिन जोंगस्योप छग इमह्यूनशिक बलात्कारी सेओ कप्स्यू गैंगस्टर बेक होयोन और एक युवक जो यीह्यून अध्याय छियासी एक सौ ग्यारह ग्रीन होम के बजे हुए लोगों को बाहरी लोगों को अपने साथ रखने के लिए मजबूर किया जाता है तनाव बढ़ता है क्योंकि बाहरी लोग अपार्टमेंट पर कब्ज़ा करने की अपनी गुप्त योजना को लागू करते हैं जब ह्यूनशिक ग्रीन होम के बजे हुए लोगों के बीच डर और कलह फैलाने की कोशिश करता है तो जोंगसियोप ह्यूनसू को अपने समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की कोशिश करता है और यून को एक मज़बूत आधा राक्षस बताता है अपराधी जल्द ही श्रेष्ठता मान लेते हैं जिससे ह्यूनसू सहित ग्रीन होम के कुछ बजे हुए लोग उनके पक्ष में शामिल हो जाते हैं अपराधियों को कोई योजना न बताने के बाद यूनियुग को सांगवुक के साथ बंद कर दिया जाता है यूनियुग सांगवुक को बताता है कि उसके पास वास्तव में एक योजना है जो केवल उसे और दुशिक को ही पता है उसकी नाक से खून बहने लगता है और वह बेहोश हो जाता है दुशिक को जोंगसियोप को एक बड़ा बॉक्स दिखाने के लिए मजबूर किया जाता है जिसमें कपड़ों की एक चेन से बनी रस्सी दिखाई देती है जब जोंगसियोप इसे खारिज करता है तो डुशिक को राहत मिलती है रस्सी वास्तव में 100 मीटर से अधिक लंबी होती है और अंत में एक ग्रैपलिंग हुक लगा होता है बत्तीस वर्षीय भूतपूर्व पुलिसकर्मी और ग्रीन होम का निवासी सांगवुक को अक्सर उसके लंबे मांसल और डरावने रूप के कारण एक गैंगस्टर समझ लिया जाता है वह हेउन्सु के साथ राक्षसों से लड़ने में अपनी क्रूर शक्ति का उपयोग करता है वह भोजन की रखवाली और राशन की निगरानी का भी प्रभारी है बाद के अध्यायों में पता चलता है कि वह एक भूतपूर्व पुलिस अधिकारी है जिसे अत्यधिक बल प्रयोग के कारण उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था बाद में वह यूरी के लिए भावनाएं रखता है ली यूनियुक डी ग्रीन होम का अठारह वर्षीय निवासी यूनियु का बड़ा भाई और ग्रीन होम के बचे लोगों का नेता अपनी उम्र के बावजूद यूनह्यूक अपनी चतुराई शांति और नेतृत्व करने की क्षमता के कारण अपार्टमेंट के बचे लोगों में नेता बन गया ऑनलाइन गेम खेलते समय वह क्रू क्रू पी उपनाम अपनाता है प्रीक्वल शॉटगन बॉय में वह मुख्य पात्र हान क्यूहवान का दोस्त बताया गया है समर्थन ग्रीन होम हान डुशिक ग्रीन होम में कमरा 1408 एक का एकमात्र निवासी डूशिक ने एक बच्चे को बचाने के बाद अपना बायां पैर खो दिया और व्हील से बंधा हुआ है एक पूर्व इंजीनियर और एक कुशल कारीगर वह राक्षसों को भगाने के लिए अपने हथियार बनाता है बचे हुए लोगों के हथियारों विशेष रूप से हेउंसू के भाले को अपग्रेड करता है और बचे हुए लोगों की अंतिम इमारत से भागने की योजना बनाने में यूनयुग के साथ सहयोग करता है जंग जेह्योन जी कोरियाई भाषा का शिक्षक और ग्रीन होम में कमरा एक हज़ार सौ छह का निवासी एक धर्मनिष्ठ ईसाई जेहन एक लंबी तलवार चलाता है और राक्षसों से लड़ते समय आमतौर पर प्रार्थना करता है ली यून्यू जे, ग्रीन होम की निवासी यूनह्यू की छोटी बहन यून्यू अपने साथ एक लाइटर और एक एरोसोल स्प्रे रखती है जिसका इस्तेमाल वह राक्षसों को जलाने में करती है पार्क यूरी ग्रीन होम की 28 वर्षीय निवासी गिल्सियोप की देखभाल करने वाली यूरी राक्षसों से लड़ने के लिए क्रॉसबो का इस्तेमाल करती है वेबटून के बाद के हिस्से में वह सांगवुक के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाती है आहन गिल्सियोप पुरुष ग्रीन होम का पचास वर्षीय निवासी गिल्सियोप की देखभाल यूरी द्वारा की जा रही है वह राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में मोलोटोव कॉकटेल का उपयोग करता है किम सुयंग, ई e, ग्रीन होम के कमरा नंबर 1210 में रहने वाले व्यक्ति की नौ वर्षीय बेटी यंगसू की बड़ी बहन। किम किमय्यूंगस्यू एफ ग्रीन होम के कमरा नंबर 1210 में रहने वाले व्यक्ति का छह वर्षीय पुत्र सुयंग का छोटा भाई इम्युंगसुक एच ग्रीन होम में रहने वाली एक आधी राक्षस म्यांगसूक का मानना है कि उसका शिशु अभी भी जीवित है जबकि उसका शिशु दुर्घटना के कारण पहले ही मर चुका है अपने शिशु को एक बार फिर से देखने की उसकी बेताब इच्छा ने उसे अपने भीतर के राक्षस की दुष्ट शक्ति का विरोध करने के लिए मजबूर कर दिया और वह एक हानिरहित विशाल भ्रूण राक्षस में बदल गई ब्यूंगल ग्रीन होम का निवासी ब्यूंगल ग्रीन होम में बाहरी लोगों के एक समूह को लाता है उनकी पहचान और उनके गुप्त उद्देश्यों से अनजान आहन सेओन्यंग, क्यू ग्रीन होम में रहने वाली एक निवासी सियोकह्यून की पीड़ित पत्नी किम सोकह्यून के ग्रीन होम का निवासी सेओन्यंग का अपमानजनक पति सेयोकह्यून एक ठेठ पुराने जमाने का व्यक्ति है जो सोचता है कि वयस्क युवा लोगों से बेहतर है सोन हाइन ग्रीन होम में रहने वाली एक लड़की हाइन एक डरपोक लड़की है जो अपने अस्तित्व के लिए जल्दबाजी में निर्णय लेती है वह उन बचे लोगों में से एक है जो बाहरी लोगों का पक्ष लेती है सुरक्षा गार्ड ग्रीन होम का अनाम सुरक्षा गार्ड वह एक राक्षस में बदल गया जो ग्रीन होम के निवासियों के प्रति उसकी घृणा को दर्शाता है जिनमें से अधिकांश ने उसके साथ कठोर और अपमानजनक व्यवहार किया है एक राक्षस के रूप में वह हर हत्या के बाद अधिक वज़न और ताकत हासिल करता है कमरा एक हज़ार चार सौ ग्यारह वाली लड़की ग्रीन होम में कमरा एक हज़ार चार सौ ग्यारह की अनाम एकमात्र निवासी हिउंसू की पड़ोसी वह एक सेलिब्रिटी बनने की चाहत रखती है जो कई ऑडिशन में जाती है और अक्सर खुद को भूखा रखती है भूख से मरते हुए मांस खाने वाले राक्षस में उसका राक्षसी रूप पहली बार हेउंसू ने सर्वनाश के दौरान देखा था रेयू जेहवान आर ग्रीन होम का निवासी जेहवान एक महत्वाकांक्षी सेलिब्रिटी है जो बाद में एक लंबे ध्यान आकर्षित करने वाले राक्षस में बदल जाता है जो उस पीड़ित को बहुत दर्दनाक सिरदर्द का कारण बनता है जो इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता है जैसे आप सुंदर है सांगस्यो ग्रीन होम का एक निवासी जीवित बचे लोगों में से एक जिसने बाहरी लोगों का पक्ष लिया जियन ग्रीन होम का एक निवासी जीवित बचे लोगों में से एक जिसने बाहरी लोगों का पक्ष लिया बाहरी लोग शिन जोंगसियोप एन एक बाहरी व्यक्ति जो अपराधियों के समूह का नेता है जोंगसियोप राक्षसों को मारने पर आमादा है क्योंकि उसके पूरे परिवार की मौत उनके कारण हुई थी वह सांगवुक से परिचित है ह्यूनशिक एक बाहरी व्यक्ति और अपराधी जो जोंगसियोब के समूह का हिस्सा है एक ठग जो यीह्यून एक बाहरी व्यक्ति और आधा राक्षस जो जोंगसियोब के समूह का हिस्सा है यीह्यून के पास कई व्यक्तित्व है जिसके कारण उसका आंतरिक राक्षस केवल एक व्यक्तित्व को नियंत्रित करता है और उसे पूरी तरह से राक्षस नहीं बना पाता है उसके पास हाथ विस्तार की क्षमता है जिसमें वह अपनी बाह को लंबा या सूजा सकता है या इसे एक खातक शाखा रूप में बदल सकता है जिसका उपयोग वह एक साथ कई राक्षसों को मारने के लिए कर सकता है सेयोकप्स्यो एक बाहरी व्यक्ति और अपराधी जो जोंगसियोब के समूह का हिस्सा है एक बलात्कारी बेकहोन एक बाहरी व्यक्ति और अपराधी जो जोंगसियोब के समूह का हिस्सा है एक गैंगस्टर उल्लेखनीय राक्षस नोट इस सूची में वे राक्षस शामिल हैं जो वेबटून में अपनी पहली उपस्थिति में पहले से ही राक्षस रूप में है कुछ के पूर्व मानव रूप केवल फ्लैशबैक या कहानी में दिए गए संकेतों के माध्यम से प्रकट होते हैं खून चूसने वाला राक्षस एस ग्रीन होम पर बाहर से हमला करने वाला पहला राक्षस यह एक हेमेटोफ़ेगस मानव जैसा राक्षस है जिसका मुंह छाती तक फैला हुआ है और इसकी लंबी सूंड जैसी जीभ है जिसका इस्तेमाल यह अपने शिकार के तरल पदार्थ को चूसने के लिए करता है आधे सिर वाला राक्षस टी एक अंधा मानव जैसा राक्षस जो जेहेन द्वारा उसके सिर को काट दिए जाने के बाद आधा सिर वाला हो गया यह ध्वनि के प्रति बहुत संवेदनशील है और यही उनकी तरह हाथ की शाखाएं बनाने में सक्षम है जिससे यह वस्तियों को छेदने और मनुष्यों और साथी राक्षसों को बहुत तेजी से छुरा घोंपने में सक्षम है यह राक्षस कभी एक असंतुष्ट कार्यालय कर्मचारी था जिसने अपनी नौकरी खो दी थी नेत्रगोलक राक्षस यू इसका शरीर मनुष्य जैसा है इसकी गर्दन लंबी और लचीली है तथा सिर पर एक विशालकाय गोलाकार पिंड है जिसके नीचे अनेक आखे हैं। मांसल राक्षस वी यह एक लंबा मांसल मानव जैसा राक्षस प्रतीत होता है यह आमतौर पर प्रोटीन ताकत और मांसपेशी जैसे शब्द बोलता है जब इसे कमजोर कहकर चिहाया जाता है तो यह क्रोधित हो जाता है तरल राक्षस डब्ल्यू एक अपेक्षाकृत हानिरहित गैरशत्रु राक्षस जो पारदर्शी कीचड़ के लेर के रूप में दिखाई देता है जिसका आकार एक इंसान जैसा होता है जिसके सिर में दो तैरती हुई आँखें होती है यह पता चलता है कि राक्षस कभी मिंजेओल नाम का एक छोटा लड़का था जो एक कोथरी में छिपा हुआ था जब उसकी माँ को आधे सिर वाले राक्षस ने मार डाला था मिंजेओल की न दिखने की इच्छा इस वाक्य से झलकती है जो राक्षस बुदबुदाता है क्या तुम मुझे देख सकते हो टेंटेकल राक्षस एक्स मकरी राक्षस वाई एक राक्षस जो पीठ के बल लेटे हुए एक मानव शव जैसा दिखता है जिसकी पीठ से कई तंबू निकले हुए हैं और जो पैरों की तरह काम करते हैं जब हेउन्स्यू और सांगवुक इसे आग में डालते हैं तो यह एक फायर स्प्रिंकलर के माध्यम से खुद पर पानी डालता है और एक मकरी के राक्षस में विकसित होता है जो संक्षारक तरल पदार्थ थूकने में सक्षम होता है लंबी भुजाओं वाला राक्षस जेड एक मानव जैसा गिब्बन जैसा राक्षस जो हाथ फैलाने में सक्षम है यह पता चला है कि राक्षस कभी एक आदमी था जो अपने बेटे को राक्षसों से बचाने में विफल होने के बाद बहुत अधिक अपराध बोध में जी रहा था जो इस वाक्यांश में परिलक्षित होता है मेरा हाथ पकड़ो ट्रैक फील्ड राक्षस एएए एक तेज गति से चलने वाला मानव सदृश तीन आंखों वाला राक्षस जो बड़बड़ाता है बहुत धीमा यह पता चलता है कि राक्षस एक बार एक ट्रैक फील्ड एथलीट था जिसने राक्षस बनने से पहले अपने रूममेट और प्रतिद्वंद्वी की हत्या कर दी थी उठने वाला राक्षस चमगादर जैसा राक्षस उष्णे में सक्षम एकमात्र राक्षस ली युंगबोक कोरियाई यम उन्नीस सौ एक दक्षिण कोरियाई टेलीविजन निर्देशक है उनका पहला काम 2009 में केबीएस के लिए होमटाउन ऑफ ली जेंस फॉरबिडन बुक्स था उन्हें स्कूल 2013, 2012, सीक्रेट लव 2013 और डिसेंडेंस ऑफ द सन 2016. जैसे अन्य लोकप्रिय शो के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है स्टूडियो ड्रैगन में शामिल होने के बाद उन्होंने गार्जियन द लोनली एंड ग्रेट गॉड 2016 से 17 और मिस्टर सनशाइन 2018 जैसे कामों के साथ अपने निर्देशक के करियर को जारी रखा एक 2020 में ली ने अपनी पहली नेटफ़्लिक्स मूल श्रृंखला स्वीट होम का निर्देशन किया जो किम कार्नबी और ह्वांग यंगचान के इसी नाम के नेवर वेबटून पर आधारित है कैरियर 2001 में लीने के बीएस में अट्ठाईसवीं पीडी पब्लिक रिक्रूटमेंट पास करने के बाद टेलीविज़न में अपना करियर शुरू किया और ड्रामा विभाग में काम करना शुरू किया छि दो हज़ार दो में पीडी कौन और कैसे नामक एक पुस्तक संकलित की जा रही थी यह पीडी पेशे के लिए एक परिचयात्मक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती थी और इसे तीन प्रसारण कंपनियों के 27 पीडी द्वारा एक आउटसोर्स प्रोडक्शन कंपनी के साथ मिलकर लिखा गया था केबीएस पीडी ली युंगबोक ने पुस्तक में प्रसारण कंपनी भर्ती रुझान और प्रसारण उद्योग में उद्योग रुझान शीर्षक से एक अध्याय का योगदान दिया फॉर दो में लीने के बी एस दो के सोमवार मंगलवार नाटक होमटाउन ऑफ लीजें फॉरबिडन बुक्स में निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत की जिसे बैंग जियंग ने लिखा था कहानी एक शापित प्रतिबंधित पुस्तक को दर्शाती है जो भूतों को बुलाती है और इसमें ह्योंदेयोग किम से द्वारा अभिनीत का अपने बेटे को बचाने के लिए अत्यधिक मातृप्रेम शामिल है जिसने प्रतिबंधित पुस्तक पढ़ी है और प्रतिबंधित पुस्तक में शामिल ज्योंग यूम हीसोक द्वारा अभिनीत के रेहे से शामिल है फाइव दो हज़ार दस में ली ने निर्देशक जीन वूस्योंग के साथ मिलकर द रिपुटेबल फ़ैमिली म्योंग का का निर्देशन किया जिसे बेक यंगसुक और यू यंगसू ने लिखा था यह केबीएस दो से केबीएस एक में बहाल होने वाला पहला केबीएस ऐतिहासिक नाटक था यह चा इनपियो के अपने डेब्यू के बाद से ऐतिहासिक नाटक में पहले प्रयास के रूप में भी उल्लेखनीय था नाटक का उद्देश्य हमें ग्योंगजू के सबसे अमीर परिवार के किस्से से परिचित कराकर धन के वास्तविक मूल्य के बारे में सोचना था कोरिया का प्रतिनिधि प्रतिष्ठित परिवार जो कुलीनता की भावना का अभ्यास करता था सेक्स उसी वर्ष ली ने केबीएस दो टीवी ट्रामा स्पेशल एपिसोड साथ द ग्रेट के चुनबिन के लिए लेखक यू जीही के साथ मिलकर काम किया यह एक रोमांटिक कॉमेडी मेलोड्रामा है जो किंडरगार्टन शिक्षक के चुनबिन जंग यूमी और कला चिकित्सक वांग की नाम जंग क्यूंगहो के इर्दगिर्द घूमती है जंग क्यूंगहो दो में केबीएस में शामिल होने के बाद अपने पहले वनएक्ट प्ले में दिखाई देते हैं सेवेन एक साल पहले जनवरी 2009 में मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि बेयंगजोन हल्लू अभिनेता और कीस्ट के अध्यक्ष पार्क जिनयंग की मनोरंजन कंपनी जेवाईपी के साथ मिलकर एक टेलीविजन नाटक का सहनिर्माण करेंगे आठ उन्होंने होलिम नामक एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की जो एक टेलीविजन नाटक निर्माण कंपनी है अप्रैल 2010 में सीजे मीडिया होलिम के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करके उत्पादन टीम में शामिल हो गया नौ बे ने नाटक के रचनात्मक निर्माता के रूप में काम किया समग्र अवधारणा लक्ष्यों और विचारों में योगदान दिया जबकि पार्क ने संगीत की रचना की और श्रृंखला के लिए नृत्य कोरियोग्राफ किया छ 2010 के अंत में यह घोषणा की गई कि पटकथा पार्क हैरियून द्वारा लिखी गई थी और श्रृंखला का निर्देशन ली युंगबोक और किम सेओंगी ने किया था ग्यारह बेयोंगजून भी नाटक में दिखाई दिए चार एपिसोड में अभिनय किया जिसने तीन साल बाद छोटे पर्दे पर उनकी वापसी को चिह्नित किया बारह इसके अतिरिक्त पार्क जिनयंग ने श्रृंखला में अपने अभिनय की शुरुआत की तेरह मुख्य कलाकारों में दो पीएम समूह से ओक टैक्योन और जंग बुयंग मिस ए से बेसूजी टियारा से हाहम यूनजंग गायक आईयू और किम सुह्यून शामिल थे दस किम सुन कलाकारों में एकमात्र गैर आइडल थे लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका को चित्रित करने के लिए तीन महीने तक जेवाईपी एंटरटेनमेंट में संगीत और नृत्य का अध्ययन किया दो 2012 में ली ने केबीएस की स्कूल सीरीज की पांचवीं किस्त स्कूल 2013 का सहनिर्देशन किया जिसमें ली मिनहोंग भी शामिल थे पंद्रह ली हेउ्यू और गो जंगवोन द्वारा लिखित इस नाटक ने दोहरे अंकों की दर्शक रेटिंग प्राप्त की और युवा दर्शकों द्वारा इसे खूब सराहा गया इसने विदेशों में भी लोकप्रियता हासिल की जिससे किम वूबिन और ली जोंगसुक सहित इसके कलाकारों की पहचान में वृद्धि हुई 16 अक्टूबर 2012 से स्कूल 2013 पर काम करते हुए ली ने पहले से ही अपना नया प्रोजेक्ट सीक्रेट लव चोई होजिओल की 2012 में के बी एस स्क्रिप्ट प्रतियोगिता से पुरस्कार विजेता स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी ली कहानी से प्रभावित थे और लगभग एक साल से इसकी तैयारी कर रहे थे चोई होजिओल के साथ लगातार बैठकें कर रहे थे मुत्स्य निर्माता हुआंग क्यूंग ने लेखक यू बोरा को परियोजना में शामिल होने की सिफारिश की सत्र भूमिकाएं अच्छी तरह से परिभाषित की गई थीं लेखक यू बोरा भावनात्मक और स्त्री तत्वों को शामिल करने के लिए जिम्मेदार थे जबकि लेखक चोई होचियोल ने रहस्य और रोमांचकारी पहलुओं को संभाला 18. सीक्रेट लव में हु जी जीसुंग बेसुबिन और ली दाही मुख्य भूमिकाओं में थे सोलह एपिसोड की यह श्रृंखला 25 सितंबर से 14 नवंबर 2013 तक के बी एस दो पर प्रसारित हुई जिसके एपिसोड बुधवार और गुरुवार को इक्कीस बजकर पचपन मिनट बजे प्रसारित किए गए उन्नीस सीक्रेट लव ने बदला और इच्छा से जुड़े चार व्यक्तियों से जुड़े एक भावुक मेलोड्रामा के सुव्यवस्थित चित्रण के लिए लगातार सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की इसने बुधवार गुरुवार के नाटकों में शीर्ष स्थान हासिल किया जिसने 16 परसेंट की दर्शक रेटिंग प्राप्त की दो नए लेखकों के साथ इसने स्टार लेखक किम यूनसुक के एसबीएस नाटक द हियर्स के छ्वने सीक्रेट लव की सफलता का श्रेय होनहार नए लेखकों की संयुक्त प्रतिभा और प्रोडक्शन टीम के नियोजन कौशल को दिया गया केबीएस ड्रामा विभाग के मुख्य निर्माता हुआंग यूक्यूंग ने स्वीकार किया कि प्रसारण कंपनियां पारंपरिक रूप से वित्तीय निहितार्थों और उच्च जोखिम के कारण मिनी सीरीज़ के लिए नए लेखकों को नियुक्त करने में झियकती है हालांकि इस मामले में उन्होंने एक नए लेखक पर मौका लिया जिसने एक अभिनय नाटकों और आंतरिक नियोजन में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था यह निर्णय महत्वपूर्ण था क्योंकि यह एक ऐसी परियोजना थी जिसने सकारात्मक परिणाम दिए वन दो हज़ार पंद्रह में लीने डिसेंडेंस ऑफ द सन के निर्देशक की भूमिका निभाई यह नाटक अधिकांश कोरियाई नाटकों से अलग था क्योंकि इसे प्रसारित होने से पहले पूरी तरह से तैयार किया गया था जो कि विशिष्ट लाइव शूट उत्पादन प्रारूप से अलग था बाईस तेईस इस निर्णय का एक कारण चीन की सरकारी नाटक की प्रारंभिक समीक्षा थी निर्माता ली युंगबोक शुरू में डिसेंडेंस ऑफ द सन की ओर आकर्षित हुए थे जब वे सिवोल फ़ेरी आपदा के बाद अभी भी गुस्से और हताशा का अनुभव कर रहे थे कहानी में सांत्वना पा रहे थे चौबीस किम यूनसुक और किम वोन्सोक ने पटकथा ली थी जिसे किम वोन्सोक की पुरस्कार विजेता पटकथा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स से रूपांतरित किया गया था नाटक में सॉन्ग जॉन्गकी सॉन्ग हय जिनगू और किम जीवोन सहित कई स्टारस्टडेड कलाकार हैं। पच्चीस छब्बीस इस नाटक में विदेशी फ़िल्मांकन भी शामिल था चूंकि ली को विदेश में शूटिंग का सीमित अनुभव था इसलिए उन्होंने निर्देशक कांग म्योंगचान और किम डोंगसिक की मदद ली जिन्होंने पहले फिल्म एवेंजर्स के कोरियाई हिस्से के फिल्मांकन के दौरान समन्वयक के रूप में काम किया था 24, 28 सितंबर 2015 को चार मुख्य लीड और सहायक अभिनेता कांग शिनेल और ओन्यू सहित पूरे कलाकार और चालक दल ग्रीस की यात्रा पर निकले अट्ठाईस तीस यह बताया गया कि अधिकांश फ़िल्मांकन जकींथोस अराचोवा लेम्नोस और नवगियो में हुआ था 31, बत्तीस हालांकि नाटक की सेटिंग इराक से प्रेरित थी लेकिन इराक के साथ संभावित राजनयिक संघर्षों से बचने के लिए युद्धग्रस्त क्षेत्र को बाल्कन प्रायद्वीप के एक दूरस्थ हिस्से में स्थित करने का निर्णय लिया गया था बत्तीस मोवुरू कंपनी का बेस कैंप खाली हो चुकी ताइबेक हानबो कोयला खदान में स्थित था जबकि भूकंप के ज़्यादातर दृश्य समतन आर्थ माइन में फिल्माए गए थे इसके अलावा कैंप ग्रीव्स डीएमजेर एक्सपीरियंस सेंटर में फ़िल्मांकन हुआ जो पहले कोरियाई युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना का बेस कैंप था हेसुंग अस्पताल में सेट किए गए दृश्य वास्तव में सियोल सेंट मैरी अस्पताल में फिल्म आए गए थे तर्डी थ्रे चौबीस फरवरी से 14 अप्रैल 2016 तक नाटक के बी एस दो पर प्रसारित हुआ जिसमें 16 एपिसोड शामिल थे 34 इसके बाद केबीएस ने 20 अप्रैल से 22 अप्रैल 2016 तक तीन विशेष एपिसोड प्रसारित किए इन विशेष एपिसोड में श्रृंखला के हाइलाइट्स और यादगार दृश्य दिखाए गए नाटक की उत्पादन प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि प्रदान की पर्दे के पीछे के फुटेज दिखाए कलाकारों के सदस्यों की टिप्पणियां शामिल कीं और अंतिम उपसंहार के साथ समापन किया पैंतीस छत्तीस श्रृंखला ने दक्षिण कोरिया में सफलता हासिल की जो अड़तीस दशमलव आठ परसेंट दर्शकों की हिस्सेदारी तक पहुंच गई इसने बावनवें बेकसेंग आर्ट्स अवार्ड्स में टेलीविजन में प्रतिष्ठित ग्रैंड पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं प्राप्त की इसके अतिरिक्त इसे कोरिया ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजिंग कॉर्पोरेशन द्वारा वर्ष का सबसे लोकप्रिय शो माना गया सैंतीस मार्च दो में उनतीसवें कोरिया पीडी अवार्ड्स में केबीएस के डिसेंडेंट ऑफ द सन ली युंगबोक, बेक सांगहून को सर्वश्रेष्ठ टीवी ड्रामा का पुरस्कार मिला 38. एट ली ने अगस्त 2016 में केबीएस छोड़ दिया और सीजेईएनएम एंटरटेनमेंट डिवीजन में चले गए थर्टी नाइन सीजेईएनएम में ली के जाने के बाद उन्होंने टीवीएन के शुक्रवार शनिवार नाटक गार्जियन द लोनली एंड ग्रेट गॉड के लिए किम यूनसुक के साथ एक बार फिर काम किया यह श्रृंखला एक भूत और एक लड़की की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है जो भूतों को देखने की क्षमता रखती है उल्लेखनीय रूप से नाटक ने केवल दो एपिसोड के भीतर 10 परसेंट दर्शकों की संख्या को पार कर लिया इसकी शुरुआत 6.9 परसेंट की रेटिंग के साथ हुई और दूसरे एपिसोड में यह बढ़कर 8.3 परसेंट हो गई फोड़े मिस्टर सनशाइन 2018 का अनुसरण किया वन फिल्मोग्राफी टेलीविजन सीरीज कांग, कोरियाई सुंग जन्म 23 अप्रैल उन्नीस सौ चौरानवे एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है टेलीविजन सीरीज में उनकी उल्लेखनीय मुख्य भूमिकाओं में लव अलार्म 2019 से 2021, स्वीट होम 2020 से 2024। नविलेरा 2021, फिर भी 2021, हजार इक्कीस फोरकास्टिंग लव एंड वेदर 2022 और माई डेमन 2023 से 2024 शामिल है उन्हें लोकप्रिय रूप से नेटफ्लिक्स के बेटे के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनकी अधिकांश सीरीज प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होती है छे आजीविका दो शून्य एक सात अठारह शुरुआत सॉन्ग ने 2017 की रोमांटिक कॉमेडी टेलीविजन सीरीज द लायर एंड हिज लवर में सहायक भूमिका के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की तीन उसी वर्ष उन्हें पारिवारिक ड्रामा मैन इन द किचन में लिया गया चार वह दो संगीत वीडियो में भी दिखाई दिए ध्वनिक जोड़ी द एडे द्वारा स्वीट समर नाइन और सूरन द्वारा लव स्टोरी पांच छ आठ जुलाई 2017 को उनकी एजेंसी नमू एक्टर्स ने ओह सेंगहून और ली यूजिन के साथ सॉन्ग के लिए एक प्रशंसक बैठक रूकीज का परिचय का आयोजन किया सोम ने फरवरी से अक्टूबर 2018 तक सेवेंटीन के मिंग्यू और डीआईए के जंग चायोन के साथ एसबीएस संगीत कार्यक्रम इनकी गायों की मेजबानी की आठ वह विभिन्न प्रकार के शो विलेज सर्वाइवल द आर्ट में एक निश्चित कलाकार के रूप में भी शामिल हुए नौ दो कार्यों के लिए उन्हें 2018 हज़ार अठारह एसबीएस एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में रूकी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था दस जुलाई 2018 में सोम ने फंतासी फिल्म ब्यूटीफुल वेम्पायर के साथ बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की क्या दो शू ने एक नौ वर्तमान लोकप्रियता और प्रमुख भूमिकाओं में वृद्धि जुलाई 2019 में व्हैन द दे डेविल कॉल्स योर नेम के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाया गया गीत 2019 में सॉन्ग ने टीवीएन फंतासी मेलोड्रामा व्न द दे डेविल कॉल्स योर नेम में जंग क्यूंग हो के सहायक की भूमिका निभाई बारह उन्होंने अगली बार नेटफ्लिक्स की मूल रोमांटिक सीरीज़ लव अलार्म में अभिनय किया जो इसी नाम के लोकप्रिय वेबटून पर आधारित है तेरह सॉन्ग को 900 लोगों में से ऑडिशन के माध्यम से उनकी पहली मुझे भूमिका में लिया गया था चौदह उन्होंने एक खूबसूरत हाई स्कूल छात्र की भूमिका निभाई जिसे एक लड़की किम सोह्योन से प्यार हो जाता है जो उसके सबसे अच्छे दोस्त की गुप्त क्रश थी पंद्रह, लव अलार्म को नेटफ्लिक्स की वर्ष की शीर्ष रिलीज में से एक के रूप में स्थान दिया गया था और इसे दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था उस वर्ष उनकी अंतिम उपस्थिति वाइब के कॉल मी बैक के संगीत वीडियो में थी so, uh, सॉन्ग को 2020 में स्टारडम के लिए प्रेरित किया गया जब उन्होंने एपोकैलिप्स हॉरर नेटफ़्लिक्स ओरिजिनल स्वीट होम में अभिनय किया जो कि इसी नाम के वेबटून पर आधारित था 17 स्वीट होम के निर्देशक ली युंगबोक को लव अलार्म के निर्देशक की सिफारिश पर उन्हें कलाकारों के लिए ऑडिशन दिया गया था सत्र उनकी भूमिका चाहेउंसु की थी जो एक आत्मघाती स्कूल का लड़का था जो साथी अपार्टमेंट निवासियों के एक समूह के साथ एक राक्षसीकरण सर्वनाश से बचने की कोशिश करता है अठारह श्रृंखला की आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिश्रित थीं, उन्नीस लेकिन इसने व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को इकट्ठा किया बीस श्रृंखला की रिलीज के एक महीने बाद वैरायटी ने खुलासा किया कि इसे नेटफ्लिक्स के 22 मिलियन सदस्य घरों द्वारा देखा गया था है 2021 में उन्होंने लव अलार्म के दूसरे सीजन में हुआंग सनोह के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया जिसे 12 मार्च को नेटफ़्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था वह अगली बार टीवीएन सीरीज़ नविलेरा में दिखाई दिए जिसे इसी नाम के वेबटून से रूपांतरित किया गया था तेईस उन्होंने एक बैले छात्र की भूमिका निभाई जो अपने पिता के बारे में अनसुलहे मुद्दों के कारण संघर्ष करता है और पार्ट टाइमर के रूप में काम करके खुद का समर्थन करने की कोशिश करता है अपने किरदार को निभाने के लिए सॉन्ग ने छह महीने तक बैले की शिक्षा ली चौबीस उसी वर्ष बाद में सॉन्ग ने एक और वेबटून रूपांतरण फिर भी जेटीबीसी के रोमांस ड्रामा में हान सोही के साथ अभिनय किया पच्चीस दर्शकों के रिकॉर्ड के संदर्भ में वर्ष 2021 को सॉन्ग के लिए सफल माना जाता है क्योंकि स्वीट होम लव अलार्म और फिर भी क्रमशः दुनिया भर में नेटफ्लिक्स में पांचवें छहवें और आठवें सबसे ज्यादा देखे जाने वाले के ड्रामा के रूप में रैंक करने में कामयाब रहे ट्वनी सेक्स दो में सॉन्ग ने पार्क मिनियन के साथ एक और जेटीबीसी नाटक फोरकास्टिंग लव एंड वेदर में अभिनय किया 27 चार मार्च 2022 को सोंग ने दक्षिण कोरिया को समर्पित एक यूट्यूब चैनल द स्वॉन के माध्यम से वास्तविक समय में दुनिया भर के प्रशंसकों के साथ संवाद करने के लिए एक प्रशंसक बैठक आयोजित की अट्ठाईस मई में यह बताया गया कि सॉन्ग 12 जून 2022 को वाईएस चौबीस लाइव हॉल में एक प्रशंसक बैठक आयोजित करेगा 29 नवंबर में सॉन्ग ने पुष्टि की है कि 2023 हजार तेईस कांग एशिया फैन मीटिंग टूर छह देशों में होगा जिसकी शुरुआत सियोल से होगी उसके बाद टोक्यो जकार्ता कुआलालंपुर, सिंगापुर और बैंकॉक होंगे जो 2023 में कभी भी होंगे तीस दो में सोंग ने नेटफ्लिक्स सीरीज माई डेमन में एक भूमिका निभाई जहां उन्होंने किम यूजंग के साथ मुख्य किरदार निभाया 31. व्यक्तिगत जीवन सैन्य सेवा 29 फरवरी 2024 को नमू एक्टर्स ने घोषणा की कि सॉन्ग 2 अप्रैल को एक सक्रिय ड्यूटी सैनिक के रूप में अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा को पूरा करने के लिए भर्ती होगा तड़ी छे 2020 दो में सॉन्ग को दक्षिण कोरियाई सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड बनीला कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था तड़ी 2021 में इतालवी लक्सरी फैशन हाउस प्रादा ने घोषणा की कि सॉन्ग को ब्रांड एम्बेस्डर के रूप में चुना गया था चौंतीस पैंतीस छत्तीस दो हजार बाईस में उन्हें एशिया प्रशांत क्षेत्र में बॉबी ब्राउन कॉस्मेटिक्स के लिए ब्रांड एम्बेस्डर के रूप में भी चुना गया था सैंतीस अड़तीस फरवरी दो हजार बाईस में सॉन्ग को पेनशॉप के वैश्विक राजदूत के रूप में नामित किया गया था 39. नाइन फिल्मोग्राफी ली जिनवुक कोरियाई, इजिनुग जन्म 16 सितंबर 1981, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है उन्हें रोमांस सीरीज ग्लास कैसल 2008 से 2009, हजार नौ टाइम ट्रेवलिंग सीरीज नाइन दो रोमांस सीरीज आई नीड रोमांस (2012) और द टाइम वी वेयर नॉट इन लव (2015)। क्राइम थ्रिलर सीरीज बॉयस सीजन दो से तीन नेटफ्लिक्स एपोकैलिप्स हॉरर सीरीज स्वीट होम और कॉमेडी फिल्म मिस ग्रैनी 2014 में सहायक भूमिका के लिए जाना जाता है कैरियर 2000 से 2009 शिक्षा और कैरियर की शुरुआत ली जिनवूक ने चेोगजू विश्वविद्यालय में पर्यावरण इंजीनियरिंग का अध्ययन किया और अभिनय के लिए रुख किया उन्होंने विज्ञापनों में मॉडलिंग करके मनोरंजन उद्योग में अपना करियर शुरू किया उनकी पहली छोटी अभिनय भूमिकाओं में जनरल हॉस्पिटल द मूवी ए डेज और 2004 की दक्षिण कोरियाई फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन हाई स्कूल शामिल है जिसमें क्वोन सांगवू आहन सांग, ने जू जिनमो और सेओ डोंगवोन ने अभिनय किया है दो तीन ली ने 2004 में टीवी मूवी बैडगर्ल में अपनी पहली टेलीविजन अभिनय भूमिका निभाई और बाद में टेलीविजन ड्रामा अलोन इन लव चार समडे पांच स्माइल अगेन छः और उहम ताइवूंग अभिनीत रिसर्च ली ने टेलीविजन सीरीज एयर सिटी आठ में दूसरे पुरुष लीड के रूप में अपने चित्रण के बाद व्यावसायिक सफलता और हल्लू स्टार का दर्जा हासिल किया जहां उन्होंने अपने सहकलाकार चोई जीवू को तीन साल तक रेट किया ली ने फॉर्मिडेबल राइवल्स में राष्ट्रपति के बेटे की भूमिका निभाते हुए मुख्य भूमिकाएं निभाना जारी रखा नौ सीरीज बिफोर एंड आफ्टर में एक प्लास्टिक सर्जन दस और ग्लास कैसल में एक नवविवाहित चैबॉल ग्यारह उन्होंने द रोड होम में एक कैमियो भी किया 2009 से 2016 सैन्य भर्ती और आगे की सफलता इसके बाद ली ने छह मई 2009 से 7 मार्च 2011 तक राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय की रक्षा मीडिया एजेंसी में अपनी दो साल की अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी की ट्वेल्व फोर्टीन दो हजार ग्यारह में अपनी सैन्य छुट्टी के बाद ली ने अपनी वापसी परियोजना म्यूंगवोल दस्पाई में अभिनय किया जहां उन्होंने एक उत्तर कोरियाई एजेंट की भूमिका निभाई 15, सोलह इसके बाद उन्होंने जंग यूमी के साथ रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा आई नीड रोमांस 2012, 17 सत्रह में अभिनय किया इसके बाद ली ने जो यूनही के साथ टाइम ट्रेवलिंग रोमांस 9 अठारह उन्नीस में पार्कसनवू नामक एक टीवी एंकर के रूप में अपनी सबसे हाई प्रोफाइल भूमिका निभाई नाइन में अपनी भूमिका से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद ली ने 2014 की कॉमेडी मिस ग्रैनी में सात वर्षों में पहली बार एक सिनेमाई फिल्म में अभिनय किया बीस इसके बाद उन्होंने 2014 की एक्शन फिल्म द टारगेट में अपनी पहली बड़ी बड़ी स्क्रीन भूमिका निभाई जो 2010 की फ्रेंच एक्शन फिल्म फाइंड ब्लैंक की रीमेक थी 21 उसके बाद ली ने टेलीविजन सीरीज द थ्री मस्किटर्स में नाइन के लेखक और निर्देशक के साथ फिर से काम किया जोसियन युग के दौरान सेट एक पीरियर ड्रामा था जहां उन्होंने क्राउन प्रिंस सोहियोन की भूमिका निभाई थी बाईस तेईस उन्होंने बड़े पर्दे की फिल्मों फंतासी रोमांटिक कॉमेडी द ब्यूटी इनसाइड चौबीस और टाइम ट्रैवल रोमांस क्राइम टाइम रेनेगेड में अभिनय करना जारी रखा 25 द ब्यूटी इनसाइड में वूजिन के रूप में ली की उपस्थिति ने सिनेमाई रिलीज के समय दक्षिण कोरिया में सुर्खियां बटोरिंग क्योंकि वूजिन के पुनर्जन्मों में से एक के रूप में उन्हें पेश करने वाले दृश्य ने थिएटर में सभी महिला दर्शकों को उनके रूप पर विस्मय में छोड़ दिया दक्षिण कोरियाई पॉप संस्कृति में इसे दक्षिण कोरियाई सिनेमा में शीर्ष पौराणिक चरित्र अनावरणों में से एक माना जाता है 26 इसके बाद उन्होंने ताइवान के नाटक इन टाइम विद यू द टाइम वी वेयर नॉट इन लव के दक्षिण कोरियाई रीमेक के साथ हाजीवोन के साथ छोटे पर्दे पर वापसी की सत्ताईस दो में ली ने इसी नाम के मंगा पर आधारित अपराध ड्रामा गुड बाय मिस्टर ब्लैक में अभिनय किया ट्वीट दो एक साथ वर्तमान प्रमुख भूमिकाओं में परिवर्तन और पुनराविष्कार 2017 में ली को तीन फिल्मों में कास्ट किया गया इंडी फिल्में ए टाइगर इन विंटर और रोड टू यूटा उनतीस तीस इकतीस और रोमांस थ्रिलर हाई सोसाइटी 32. दो में ली सफल क्राइम ड्रामा रिटर्न 33 और वॉयस सीजन दो के साथ छोटे पर्दे पर, पर लौटे चौतीस पैंतीस छत्तीस वॉयस के दूसरे सीजन के प्रीमियर ने ओसीएन ओरिजिनल ड्रामा सीरीज़ के लिए सबसे ज्यादा प्रीमियर व्यूअरशिप रेटिंग का रिकॉर्ड बनाया सैंतीस वॉयस का दूसरा सीज़न पहले सीजन की सफलता से जारी रहा यहां तक कि अपने छोटे रन के बावजूद पहले सीजन की रेटिंग को पार कर गया अड़तीस अपनी बड़ी सफलता के कारण वॉयस को तीसरे सीजन के लिए चुना गया जिसमें ली ने डू कांगवू के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया वॉयस का तीसरा सीजन दूसरे सीजन की तरह ही सफल रहा 2019 में ली ने बीएच एंटरटेनमेंट के साथ एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जिसमें कई अन्य शीर्ष हाई प्रोफाइल दक्षिण कोरियाई अभिनेता शामिल है तडीनाइन दो में ली ने नेटफ़्लिक्स की मूल सीरीज़ स्वीट होम में अभिनय किया चालीस एक वेब आधारित नाटक जो एक एकांत किशोर के बारे में है जो अपने कमरे में बंद रहता है स्कूल की हिंसा की यादों से डरा हुआ है और अपने परिवार को खोने के बाद एक अपार्टमेंट में जाने के बाद खौफनाक घटनाओं का अनुभव करता है इसका प्रीमियर नेटफ्लिक्स कोरिया पर 18 दिसंबर 2020 को हुआ 41. 17 मार्च 2021 को टीवीएन ड्रामा बिलगासाल इमोर्टल सोल्स बयालीस के लिए पूर्ण मुख्य कलाकारों को रिलीज किया जो एक काल्पनिक नाटक है जो दो पात्रों के इर्द गिर्द घूमता है पहली एक महिला है जो 600 वर्षों के दौरान कई पुनर्जन्मों से गुजरी है और अपने पिछले सभी जन्मों को याद करती है और दूसरा एक आदमी है जो 600 से अधिक वर्षों से बिलगासाल के रूप में रह रहा है एक पौराणिक प्राणी जो मानव रक्त पीता है और अमरता का अभिशाप है ली ने डैन हवाल के रूप में अभिनय किया जो 600 साल पहले मानव हुआ करता था लेकिन जोसियन राजवंश के दौरान एक सैन्य अधिकारी के रूप में काम करते हुए और पिछले राजवंश के अवशेषों को मिटाने के मिशन को पूरा करते हुए एक बिलगासाल में बदल जाता है तैंतालीस यह नाटक 18 दिसंबर 2021 से 6 फरवरी 2022 तक टीवीएन चवालीस पर प्रसारित हुआ और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए भी उपलब्ध था 45. 22 अप्रैल 2021 को सीजेईएम और टीविंग ने फिल्म ए ईयर एंड मिडले के लिए पूरे स्टारस्ट्रेड कास्ट का खुलासा किया 46. फिल्म विभिन्न लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जो होटल इमरोज में आते हैं जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानियां होती है जो नए रिश्ते बनाते हैं सैतालीस ए एंड मेडले का निर्देशन क्वाक जे योंग ने किया है जिन्होंने माई सेसी गर्ला और द क्लासिक जैसे उल्लेखनीय काम किए हैं, और इनसाइड मैन द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट और डिलीवर अस फ्रॉम एविल के हाइव मीडिया कॉर्प द्वारा निर्मित है ली ने ली जिन्हों की भूमिका निभाई अड़तालीस एक प्लास्टिक सर्जन जो अपने भाग्यशाली प्यार का इंतजार करते हुए हर शनिवार रात होटल के लाउंज में आता है फिल्मांकन 19 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ और फिल्म 29 दिसंबर 2021 को 8 दिसंबर 2021 को यह पता चला था कि ली काकाओ टीवी के मूल वेब ड्रामा वेलकम टू वेडिंग हिल में ली उन्हीं के साथ से ओ की भूमिका निभाएंगे 50 इक्यावन वेलकम टू वेडिंग हिल शादी की तैयारी कर रहे तीस के दशक के एक जोड़े की कहानी है जो अपनी शादी की तैयारियों के दौरान शादी की सच्ची वास्तविकताओं को समझते हैं ली के किरदार जूनह्युंग को एक शुद्ध हृदय वाले आदर्शवादी दूल्हे के रूप में वर्णित किया गया है जो उसकी होने वाली पत्नी किम नायु, ली योनि द्वारा अभिनीत में बात की जाए तो इस सीरीज़ के सेक्शनों के तीन सेक्शन हमें देखने को मिलने वाले हैं यानी मिल चुके हैं कई जगह पर और कई जगह एक तरह से रिलीज़ होना बाकी हैं बाकी पिछले दो सेक्शन के अंदर 16 एपिसोड देखने को मिल चुके हैं और अभी के मिलाकर तकरीबन 22 तेईस एपिसोड हो रहे हैं बाकी ये हमें एक तरह से बहुत अच्छी लेवल पर देखने को मिली है और इंग्लिश के साथ इसे और भी कई मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया है बाकी जानकारी के लिए नीचे आप कैप्शन चेक कर सकते हैं और नीचे एक तरह से और भी कई जानकारी मैं आपको नीचे बताऊंगा बाकी यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा सारी कुछ जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ तो इस वीडियो में दोस्तों आज इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में